मैं आया हूँ इस वक्त लोलिसा बाबा की दरगाह में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पानी वाले दरगाह के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो यहाँ पे घुटने तक पानी जमा है। ये हाथ छोड़ के बोलो, ये हाथ उठा के ऐसे बोलो। अभी बीच में पहले जो वीडियो जो वायरल हुआ था अपने यहाँ के बारे में, दरगाह लोलिसा बाबा के बारे में, पानी वाले दरगाह के बारे में, हजरत बाबा लोलिसा पानी वाले, कभी लोग आते हैं दूर दूर से। हम चंद्रपुर से आए यहाँ पे, काफ़ी सुना था दरगाह के बारे में। पानी दरगाह तो पहली बार आया, फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। हमने काफ़ी नाम सुना था कि दरगाह पानी के अंदर है करके, अभी तक तो हमने टिकटॉक और वीडियो पे देखे थे। हे गाइस, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। आप देख सकते हो इस वक्त मैं आया हूँ दरगाह में, बुट्टी बरी का दरगाह है ये, लोलिसा बाबा का दरगाह जो काफ़ी फेमस है। आज इसके बारे में आज हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हेलो गाइस, मैं आया हूँ इस वक्त लोलिसा बाबा की दरगाह में। तो मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ कि ये दरगाह बहुत फेमस है इस जगह में, अगर आप कभी भी आए इस जगह तो आप घूम सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, अपने दोस्तों को लेके आ सकते हो, अपने फैमिली वाले को लेके आ सकते हो। बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ दरगाह जाए, मैंने देखा है बहुत सारे लोग को कि वो दरगाह की तरफ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि एक दरगाह के ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो मैं हूँ आज लोलिसा बाबा की दरगाह में, हमारे साथ है नासिर हाफिज़ जी जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी देंगे इस बारे में। तो चलिए सीधा अंदर। चलिए गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पानी वाले दरगाह के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, तो यहाँ पे घुटने तक पानी जमा है। हाफिज़ जी को आप देख सकते हो, वो घुटने तक पानी जमा है उनका ऑलरेडी। मस्जिद के हाफिज़ साहब, मस्जिद के हाफिज़ साहब, मैं दरगाह का मुजावर हूँ खादिम जी। आप खादिम में? हाँ। तो खिदमतदार करने वाला सरकार का खिदमतदार हूँ मैं। खादिम जी है? हाँ, खादिम। तो गाइस ये खादिम जी है हमारे, आप बताइए हमारे, हमको हमारे जो है सब्सक्राइबर्स वगैरह उनके लिए कि यहाँ पे क्या है, इनके बारे में कुछ बताइए। ये हजरत लोलिसा सरकार है, सभी लोग ज़्यारत के लिए आते हैं सरकार के पास, सबकी मुरादें पूरी होती है, हर बस अच्छे से मन का सब पूरा होता है, एक ही है तो है कि नहीं। और बहुत सारे लोग मैंने देखा कि बहुत सारे लोग दूर दूर से, नागपुर से, वर्धा से, चंद्रपुर से बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं? हाँ जी, जगह जगह से आते हैं। अभी बीच में पहले जो वीडियो जो वायरल हुआ था अपने यहाँ के बारे में,
दरगाह लोदीशा बाबा के बारे में, पानी वाले दरगाह के बारे में, हजरत बाबा लोदीशा पानी वाले, कभी लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए, अपनी मन्नतें मुरादें फरियाद लेके आते हैं सरकार के पास, और उनकी उनकी जो मर्यादा है वो पूरी भी होती है, दुआ भी पूरी भी होती है, पूरी भी होती है, एकीदा दिल में है तो दुआ हाथ उठा के मांगे तो खाली ना जाए। हाँ, तो दुआ करेंगे तो फिर मिलता ही है कुछ ना कुछ। ये हाथ छोड़ के बोलो, ये हाथ उठा के ऐसे बोलो, जैसा बोलो सरकार को उसी दुआ करो, सभी बांटने वाले यही है सरकार, तो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं सरकार के पास। पहले सबसे पहले अजमेर भी जाएंगे तो पहले यही से होके जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो हम इस वक्त लोदीशा बाबा की दरगाह में, गाइज हाफिज जी बता रहे हैं कि ठंड काले में पानी और बढ़ेगा, तो अगर आप आइएगा कभी घूमिएगा, मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। गाइज मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप बता दीजिएगा कि आपको कैसे लगी ये जगह। तो देख सकते हो गाइज, जो अभी मुझे हाफिज जी ने बताया कि नीचे ये जाली के नीचे मेन दरबार है, मैं भी यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ, काफ़ी बार आ चुका हूँ, बचपन से आता हूँ यहाँ पे वैसे तो, पर इस वक्त का जो हाल है वो पानी भरा हुआ है यहाँ पे। सो हम नीचे तो जा नहीं सकते, अभी इतना ही दिखाऊँगा, आई होप मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी दिखा सकूँ कि नीचे कैसे जा सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो लोग यहाँ पे आ ही रहे और लोग की जो क्वांटिटी है वो बढ़ते जा रही है। गाइस आप देख सकते हो जितना पानी अंदर था उतना पानी बाहर है, उससे ज़्यादा पानी है बाहर साइड वॉल के उस साइड। ये तो नॉर्मल बाउंड्री है, उसके बाद एक और बाउंड्री है, उसके पीछे जो है वो पूरी नदी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। अभी हम गए थे अंदर, देख सकते हो पानी वाले दरगाह के नाम से मशहूर दरगाह, पीछे बहुत बड़ी नदी है। गाइज ये है दरगाह, जैसे कि आप देख सकते हो लोगों का आना जाना तो यहाँ लगा ही हुआ है, बहुत फेमस दरगाह है यहाँ का, लोदीशा बाबा का दरगाह है जो पानियों के बीच में स्थित है। गाइज आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं अगरबत्ती लगा रहा हूँ दरगाह में, गाइज आप देख सकते हो इस वक्त हमें दरगाह के ऊपर, पीछे का पूरा नदी का सीन है, नीचे यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता है नीचे जाने का, यहाँ से ऐसे नीचे जा सकते हैं अंदर। गाइज आप देख सकते हो जो दरगाह है, और ये जो दरगाह है नदी के बीचों बीच है, नदी से लग के भी है, यहाँ पे कहीं पेड़ है अच्छे अच्छे, गार्डन भी अच्छी है। Thank you.
गाइस आप देख सकते हो ये घास फूस सब मुड़े हुए हैं, यहाँ से पानी जा चुका है, यहाँ तक पानी भरता है गाइस, इसलिए ये जगह जो है वो काफ़ी ऊपर दी गई है जिससे पानी ऊपर ना जा सके। गाइस इस वक्त है हम पानी के बिल्कुल पास, तो है गाइस आप देख सकते हो ये दूसरा दरगाह है लोधी साहब बाबा के पास का ही, सेम कुछ ही दूरी में दूसरा दरगाह ये, चलिए आप आपको अंदर से दिखाते हैं। गाइस यहाँ पे कोई खादिम नहीं है तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो गाइस इस वक्त है हम दरगाह के सामने, हमको कुछ भाईजान लोग मिले। भैया आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, सलमान पठान मेरा नाम है। हम चंद्रपुर से आए यहाँ पे, काफ़ी सुना था दरगाह के बारे में, हमको अच्छा लगा यहाँ पे आए, काफ़ी ज़बरदस्त लगा, और हम लोग अंदर जाके ज़ारत भी किए। बस अभी हम लोग ताजबाग के लिए निकल रहे हैं। अभी भाईजान अभी जा रहे ताजबाग, भैया जी आए हैं चंद्रपुर से लोधी साहब बाबा के दरगाह में, अभी जा रहे हैं वो ताजबाग, क्योंकि ताजबाग का फ़िलहाल हाल ही में उरूस चल रहा है, इसलिए सही भैया? जी हाँ भैया जा रहे हैं उरूस में। तो भैया आपको दरगाह के बारे में कुछ दो शब्द बोलना चाहोगे कि पानी वाला दरगाह है, स्पेशल दरगाह है यहाँ? जी हाँ। अब क्या कहना चाहोगे दरगाह के बारे में? पानी वाला दरगाह तो पहली बार आया, फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, हमने काफ़ी नाम सुना था कि दरगाह पानी के अंदर है करके, अभी तक तो हमने टिकटॉक और वीडियो पे देखे थे, आज देख के अच्छा भी लगा और काफ़ी सुकून भी महसूस हुआ यहाँ पे आने के बाद।